ये है पीड़ित का घर, जो बरसों से इस कच्चे आवास में रह रहे हैं। इनके अनुसार इनका ये कहना है कि इनका आवास आया हुआ है, वो तालिकग्राम ब्लॉक में अभी आ चुका है, लेकिन उन्होंने जब प्रधान जी से बात की तो वो ये बता रहे हैं कि इन्हीं के अनुसार इनके पास रिकॉर्डिंग के साक्ष्य मौजूद हैं। जब इन्होंने प्रधान जी को बताया तो प्रधान जी बता रहे हैं 10 से 15 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। ये कितना सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि पीड़ित के अनुसार ये बोल रहे हैं कि देख लीजिए, ये पात्र भी हैं, आवास के पात्र भी हैं, और पिछले जो प्रधान थे उनके शासनकाल में ये कॉलोनी आई हुई थी, और इस बार जब आ गई तो जब नंबर आया बनने का तो ये बता रहे हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये लगेंगे। लेकिन ये बता रहे हैं जब हम तालिकग्राम ब्लॉक में गए, जब बाबुओं से बात की तो बोले कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। आप कितना सही है ये तो खुद फैसला कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका लिख। क्या नाम है सर? राकेश। कहाँ रहने वाले हो? लालपुर। लालपुर, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या का ये कल आवास आए थे, हमारे दो आवास अटके हैं, केवल अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं, पैसा नहीं पड़ रहा है, प्रधान पैसे मांग रहे हैं। हमने ब्लॉक में जाके देखा, हमने पूछा अधिकारियों से, वो लोग बोले पैसा किसी को मत देना, पैसा नहीं पड़ता है। और प्रधान से जब मुलाकात होती है वो पैसे मांगते हैं कि पैसा पहले पड़ेगा तब। कौन प्रधान कौन है? प्रधान है हमारे रामचंद्र राठौर। रामचंद्र राठौर जी, उन्होंने कोई साक्ष्य आपके पास कि आपसे पैसे मांगे? हाँ, साक्ष्य का मतलब हमने कुछ रिकॉर्डिंग कर ली है। अच्छा, उनकी रिकॉर्डिंग कर? हर बार वही बात कहते थे, हमने एक रिकॉर्डिंग कर ली। उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है जी, और दर्शकों रिकॉर्डिंग आप आगे सुनेंगे। और क्या, कब से आई हुई है कॉलोनी, कब से नहीं मिल रही है आपको कॉलोनी? पूर्व प्रधान ने उन्होंने लिस्ट पास करवाई थी। कौन पूर्व प्रधान थे इनसे पहले? रेशम देवी पन्नालाल। रेशम देवी पन्नालाल थे, अब ये नए बने हैं तो ये पैसे मांग रहे हैं आपसे। आपको ये पता है कि वहाँ आ चुकी है कॉलोनी? आ चुकी, हमने पता कर लिया है। तो उनसे ये पूछते हैं कि कैसे आएगी, क्योंकि प्रधान की मोहर लगना जरूरी है ना उसमें, तभी पैसा पास होगा। मोहर लगेगी लेकिन वो हर बार यही कहते पैसा लगेगा। हमने अधिकारियों से जाके पूछा, वो कहते पैसा पड़ेगा नहीं। कितने पैसों की मांग की उन्होंने? 15 हज़ार रुपये। अच्छा अच्छा, फोन पे जो रिकॉर्डिंग है उसमें 15 हज़ार का जिक्र है आपके पास? उन्होंने किया तक किया है उसमें, उनके लड़के ने कहा वहाँ 20 हज़ार पड़ते, हम यहाँ 10 हज़ार 15 हज़ार में काम करते हैं, ये कहा। अच्छा अच्छा, आगे कोई कार्रवाई की आपने? हमने मुख्यमंत्री के पास भी फोन किया 10/76 पे, वहाँ भी हमारी कुछ सुनवाई हुई कि कार्रवाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे हम आगे। अब यहाँ अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम DM पास जाएंगे, वहाँ भी सुनवाई नहीं तो हम बार बार हम मुख्यमंत्री के पास हम अपनी रिपोर्ट। समझौता क्या चाहते हैं, अगर प्रधान जी से बात बन गई, उनसे बात की जाए तो क्या समझौता चाहते हैं आप? समझौता ये है कि हम पैसा देने लायक नहीं है, हमारी आज पोजीशन देख लो, पैसे देने लायक हम नहीं हैं। अच्छा अच्छा, पैसे हम नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर चलिए ठीक है।